श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मयुषे धर्मचक्र भर्ते भर्ते नमः संसार भीमसे अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तृणाम शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुवीरनुता प्रसिद्धा साधुवीरनुता। बदात्मा अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र अनादि अनिधन अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र हमें प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि अयोध्या जो है ये प्रलय काल में 1000 योजन नीचे की भूमि जब नष्ट हो जाती है यानी पंचम काल में छठे काल के अंत में, तो प्रलय काल समय अयोध्या नगर स्थान के सूचक नीचे 24 कमल तथा सम्य शिखर जी स्थान के सूचक नीचे 24 स्वस्तिक ऐसे चिन्ह जो देवों द्वारा किए जाते हैं उन्हीं स्थानों पर हमेशा हमेशा अयोध्या और सम्य शिखर निर्मित होते हैं, इसीलिए शाश्वत माने हैं। यानी अयोध्या के नीचे 24 कमल उपलब्ध होते हैं जो देवों द्वारा किए जाते हैं, इसीलिए शाश्वत उसी स्थान पर हमेशा हमेशा अयोध्या रचना बनती है। क्रम क्रम से हम आपको सुनाएंगे कि इस अवसर पूर्णी काल के भी आदि में अयोध्या देवों द्वारा निर्मित बसाई गई है और कहां पर कैसे क्या सारा इतिहास आप क्रम क्रम से सुनते रहेंगे। इस समय अभी मैं आपको ले चल रही हूं महापुराण की ओर, जिसके माध्यम से मैं आपको ये सब विषय बताऊंगी। इसमें इस महापुराण में श्री जिनसेन स्वामी ने सर्वप्रथम श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी उसे इस मंगलाचरण के द्वारा भगवंतों को नमन करके पुनश्च वृषभ देव आदि लेकर 24 तीर्थंकरों को नमन किया है, नमस्कार किया है। पुनश्च श्रुतस्कंद रूप जो सरस्वती श्रुतस्कंद रूप उसको नमन किया है, 11-14 पूर्व सरस्वती जिनवाणी को। पुनश्च गौतम स्वामी से लेकर के गुरुओं को नमन करते हुए अंत में उन्होंने अपने दीक्षा गुरु श्री वीरसेन स्वामी को नमन किया है। श्री वीरसेन स्वामी के शिष्य जिनसेन स्वामी आचार्य रहे हैं, इन्होंने अपने गुरु वीरसेन को और जयसेन को भी नमन किया है। इस प्रकार से नमन करके और इन्होंने जो है पुराण का अर्थ किया। पुराण का अर्थ क्या है, उन्होंने कहा कि जो पुरातनम पुराणम स्यात् तन महद महदाश्रयात् महद्भिः उपदिष्टत्वात् महाश्रेयोनुशासनात्। जो पुरातन है प्राचीन है वो पुराण कहलाता है, और महान पुरुषों के द्वारा अनुष्ठित होने से और महान पुरुषों का जिसमें चरित होने से वर्णन होने से वो महापुराण कहलाता है। इस ग्रंथ का नाम महापुराण है। विद्वानों ने हिंदी टीकाकारों ने इसे आदि पुराण नाम रख दिया अलग अलग विभक्त करके। ये महापुराण का ही एक भाग, महापुराण को उन्होंने दो भाग में विभक्त कर दिया तो जिसमें भगवान ऋषभदेव का विस्तृत वर्णन है और भरत चक्रवर्ती आदि का वर्णन है, वो महापुराण आदि पुराण के नाम से वर्तमान में है। ये महापुराण, इसे महापुराण कहते हैं। इसकी व्याख्या बड़ी सुंदर की है श्री जिनसेन स्वामी ने। महापुरुष संबंधी महाविजय शासनात् महापुराण मामनातम अतः एतन महर्षि भी। महर्षियों ने इसे महापुराण क्यों कहा है, महापुरुष से संबंधित है। महापुरुष कौन है, तीर्थंकर चक्रवर्ती बलदेव नारायण आदि जैसे महापुरुष कहलाते हैं, 63 शलाका पुरुषों का वर्णन, और जिसमें महाविजय महान अभिजय का वर्णन किया गया हो और जिसके पढ़ने से भी महान अभिजय प्राप्त हो, जिसके पढ़ने और सुनने से भी महाभिजय प्राप्त हो, ऐसा ये महापुराण, इसका नाम महापुराण है, ऐसा महर्षियों ने कहा है।
ऐसे इस महापुराण में ये कवि कहते हैं जिनसेन स्वामी जी कि इसमें मुख्य रूप से अपने आचार्यों को सबको नमन करते हुए क्रम बताया कि पहले तो जो है भगवान ऋषभदेव जिन्हें केवल ज्ञान हुआ और जिनका समोसरण कैलाश पर्वत पर था, भरत चक्रवर्ती के प्रश्न पर उन्होंने महापुराण का वर्णन किया है, यानी 63 श्लाघा पुरुषों का वर्णन किया है जो हुए, हो रहे हैं, होंगे चौसठ काल में और आगे होंगे अगले आने वाले अवसर्पिणी काल में, उत्सर्पिणी काल में। इन अतीत, वर्तमान और अनागत 63 श्लाघा पुरुषों का वर्णन किया भगवान ऋषभदेव ने, और उनके वाणी के अनुसार, उनकी दिव्य ध्वनि के अनुसार श्री ऋषभसेन गणधर ने श्री भरत चक्रवर्ती के लिए कहा। वहाँ भरत चक्रवर्ती भगवान ऋषभदेव के समाचारों में मुख्य श्रोता थे, आप ध्यान रखें। और भगवान महावीर के शासन में विपुलाचल पर्वत पर जब भगवान की प्रथम दिव्य ध्वनि खिली है श्रावण कृष्णा एकम को, जो वर्ष का युगादि दिवस, युगादि मास, युगादि तिथि मानी गई है, यानी वर्ष का प्रारंभ जैन ग्रंथों के अनुसार, श्री गौतम स्वामी के अनुसार श्रावण मास से होता है, ध्यान रखिए आप। अभी ये चैत्र मास चल रहा है, आप विक्रम संवत का, चैत्र शुक्ला एकम से विक्रम संवत का नया दिन मानेंगे। और हमारे आज की पीढ़ी के लोग पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार 1 जनवरी से वर्ष का नया दिन मानते हैं, और वीर निर्वाण संवत को हम जैन लोग जो है भगवान की दीपावली के बाद वीर निर्वाण संवत कार्तिक शुक्ला एकम से प्रारंभ होता है उसको मान रहे हैं। वर्तमान में वो चला आ रहा है, 2547वां चल रहा है। तो जो भी हो, अनादि निधन शाश्वत वर्ष का दिन है श्रावण मास, और वर्ष की प्रथम तिथि है श्रावण कृष्णा एकम। उस दिन भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिली थी और गौतम स्वामी उसे दिव्य ध्वनि के मुख्य प्रचारक प्रसारक गणधर, मुख्य गणधर हुए। उनके पहुंचने पर, उनकी दीक्षा लेने पर ही भगवान की दिव्य ध्वनि खिली है, बिना गणधर के भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली। और मुख्य श्रोता भगवान महावीर के शासन में श्रेणिक माने गए हैं, श्रेणिक महाराजा श्रेणिक मुख्य श्रोता थे, उन्हीं के प्रश्न के अनुसार इस महापुराण का अवतार माना है। और इन्होंने जो बहुत सुंदर वर्णन किया है कि इस महापुराण में भगवान ऋषभदेव से लेकर 24 तीर्थंकरों तक के वर्णन होंगे, ये उत्तर पुराण आदि सब इसी के अंतर्गत हैं, ध्यान रखें, महापुराण के ही सब अंतर्गत। और 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 बल्लभदेव, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 63 शलाका पुरुषों का जीवन व्रत इनमें वर्णित है। तो मैं इसी के आधार से आपको सर्वप्रथम अयोध्या ले चलूंगी, अयोध्या शाश्वत तीर्थ, अयोध्या शाश्वत तीर्थ। अयोध्या जो है वहीं से युग सृष्टा भगवान ऋषभदेव सर्वप्रथम जन्मे हैं, और वो शाश्वत तीर्थ आज हमारे और आपके पास है, विरासत में प्राप्त है। हम और आप धन्य हैं, बहुत सौभाग्यशाली और पुण्यशाली हैं कि ऐसे शाश्वत तीर्थ को पाकर के अपने आप को महान बना रहे हैं। उस शाश्वत तीर्थ का हम और आप जितना भी वंदन करें, दर्शन करें, उसके बारे में सुने और उसका विकास करें उतना ही कम है। तो भव्यात्माओं, ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या जयवंत हो, इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।